सुगैद, ये बजाज की पल्सर N160 और आज हम करने वाले हैं इस बाइक का एक वॉक अराउंड व्यू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है लगभग 1:50। सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी ओल्ड इंट्रो दिया है मैंने आपको, तो भाई आज इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल देंगे आपको, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है इसके अंदर, फीचर्स क्या क्या है, आज वही कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखना। पल्सर N160 कुछ ऐसी दिखाई देती है और भाई लेफ्ट हैंड साइड से बाइक जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है और रियर से बाइक की जो लुक्स है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो अब चलते हैं भाई बाइक के फ्रंट में। ये 160 सीसी की बाइक है जो काफ़ी फेमस बाइक है बजाज की। तो फ्रंट लुक से बाइक को आप देख लो, कुछ ऐसी दिखाई देती है। हेडलाइट जो है वो आपको LED में मिलती है, प्रोजेक्टर भी आपको साथ में मिल जाते हैं। इग्निशन ऑन हो गया लेकिन DRLs ऑन नहीं हुए, हो सकता है इंजन स्टार्ट होने के बाद ऑन हो, खैर कोई बात नहीं। हेडलाइट आपको LED में मिलती है, DRLs भी साथ में मिल जाते हैं और इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में ही मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक में मिलता है और फ्रंट फेंडर जो है वो आपको फाइबर में मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो भाई डुअल चैनल ABS का एक स्टिकर स्पेशली लिखा हुआ है, डुअल चैनल ABS। बाकी भाई फ्रंट टायर की बात करें तो 180 सेक्शन का आपको इसमें फ्रंट टायर मिलता है और व्हील साइज़ जो है वो आपको 17 इंच का मिलता है। टायर जो है वो आपको इसमें MRF के मिल जाते हैं, MRF नाइलो ग्रिप। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं डुअल चैनल ABS के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट सस्पेंशन पे आपको एक रिफ्लेक्टर, उसके बाद ग्रेमिका के इसमें आपको ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। ग्रेमिका कोई नई कंपनी है, वैसे बाइब्रे मोस्टली बजाज यूज़ करता है और होंडा यूज़ करता है निसिन। बाकी बाइब्रे के बारे में आपको बता दो भाई, बाइब्रे जो है वो ब्रैम्बो का एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं भाई साइड में, बाइक की साइड लुक्स कुछ ऐसी दिखाई देती है। फ्रंट फुटरेस्ट की बात करें तो भाई मिलते हैं आपको रबड़ में और रियर फुटरेस्ट की बात करें तो मेटल में मिलते हैं। काफ़ी लंबा सा एक सिंग आर्म आपको देखने को मिलता है और एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो अंडर बेली मिलता है। दो स्टैंड साथ में मिलते हैं बाइक के, एक मेन स्टैंड और एक साइड स्टैंड। यहाँ पर एक टायर हगर मिलता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं डुअल चैनल ABS के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। पीछे वाला टायर भी आपको MRF कंपनी का मिलता है और रियर वाला जो टायर सेक्शन है आई थिंक वो 130 के आसपास होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, 130 70 17 का आपको टायर मिलता है, 60P का, 62 ply, ठीक है जी। और रियर वाला जो सस्पेंशन है वो रेड कलर का आपको मोनोसॉक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ मिल जाता है आपको N160 का स्टिकर। अब आ जाते हैं बाइक के रियर में। रियर में जो है टेल लाइट वो आपको LED में मिलती है, X टाइप की आपको टेल लाइट मिल जाती है और रियर इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में ही मिलते हैं। यहाँ आपको मिल जाती है नंबर प्लेट की एक लाइट और यहाँ एक रियर में एक छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी टेल लाइट काम करती है भाई, बहुत प्यारी मिडिंग है इसकी तो। और ये आपको बल्ब में इंडिकेटर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए आपको जगह मिल जाती है, टायर अगर मिल जाता है और भाई साड़ी गार्ड मिल जाता है। ये कुछ एडिशनल एक्सेसरीज़ है जो भाई इस बाइक के साथ फिटिंग होती है। आई थिंक ये लेग गार्ड है या हाँ आगे वाला लेग गार्ड है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जब ये बाइक रेडी होगी डिलीवरी के लिए उसके बाद वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब आ जाते हैं भाई बाइक की सीट पे। स्प्लिट में आपको सीट मिल जाती है, फ्रंट वाली जो सीट है काफ़ी सॉफ्ट है और रियर वाली जो सीट है भाई वो इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है तो काफ़ी सॉफ्ट सीट मिल जाती है फ्रंट और रियर। यहाँ आप पल्सर का एक लोगो देख सकते हो, पल्सर लिखा हुआ है और ग्रैब रेल जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की मिल जाती है और फ्यूल टैंक जो है वो काफ़ी ब्रॉड मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक USB चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ प्लास्टिक की कवरिंग देखने को आपको मिल जाएगी, चाबी आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। और एक बार फ्यूल टैंक खोल के देख लेते हैं कि वन सिंगल अटेम्प्ट में खुल जाता है या नहीं खुलता है। खुल गया भाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी हुई है बजाज ने। अब इसको बंद कर देते हैं अपने लेफ्ट हैंड से ही, वेरी गुड। स्प्रिंग काफ़ी टाइट है, अच्छी बात है ये, जितना टाइट होगा उतनी अच्छी ग्रिप पकड़ेगा। और चाबी कुछ ऐसी दिखाई देती है, यहाँ लगा देते हैं चाबी। अब आ जाते हैं बाइक के हैंडल बार पे। तो भाई थ्रॉटल ट्यूब की क्वालिटी और हैंडल ग्रिप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है और भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो रियर व्यू मिरर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी दे रखी है, कॉम्पैक्ट साइज़ के रियर व्यू मिरर दे रखे हैं। बाकी क्लच लीवर की क्वालिटी ठीक ठाक है। उसके बाद आ जाते हैं कंसोल पे, तो कंसोल ऑन करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, सबको आप सब कुछ आपको डिजिटल में ही मिलता है और RPM मीटर जो है वो आपको एनालॉग में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर, इंजन ऑयल इंडिकेटर, ECU लाइट, ABS, न्यूट्रल की लाइट, RPM लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको कंसोल में ही देखने को मिल जाएंगी। दो स्विचेस मिल जाते हैं आपको, एक M और एक S।
और यहाँ पर भी आपको एक प्लास्टिक का कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये खाली खाली स्पेस ना दिखे इसलिए ये कवर्ड कर दिया, और प्लास्टिक की क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी दी हुई है। यहाँ आपको USB चार्जर मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ आप देख सकते हो पल्सर का 3D एम्बलम। सो गाइज, अब इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंजन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल ओपन कर लिया। पहले तो मुझे लग रहा था कि भाई मैंने बजाज पल्सर N160 कवर्ड नहीं कर रखी, लेकिन फिर मैंने चेक किया, नहीं यार मैंने कवर्ड कर रखा है N160 से, N16 को मतलब कंपेयर किया था। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। किसी भी बाइक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 164 सीसी का इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है भाई 17.2 BHP की 9000 RPM पे। 14.6 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है 7250 RPM पे। टॉर्क काफ़ी अच्छा है भाई, 15 Nm के आसपास का टॉर्क निकल जाता है, और पावर भी काफ़ी अच्छी है, 17.2 BHP की पावर है, अच्छी खासी पावर दी हुई है भाई 160 के हिसाब से, बढ़िया पावर है। 5 स्पीड इसमें आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है। ट्रांसमिशन जो है भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करता है, क्योंकि यार इसमें कम से कम 6 स्पीड ट्रांसमिशन देना चाहिए था। और इसका जो इंजन है भाई वो लिक्विड कूल्ड नहीं है, ना ही एयर कूल्ड है। इसका जो इंजन है वो ऑयल कूल्ड इंजन की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है। बाकी भाई फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 14 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है 42 KMPL का, और टॉप स्पीड जो है वो है इसकी 120+ km/h। 120 से कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 120 से ऊपर जाएगी 100% यार, क्योंकि कंपनी जो है वो टॉप स्पीड कम ही बताती है बाइक की। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस की। तो इस बाइक का जो प्राइस है भाई 1,22,000 एक्स शोरूम दिल्ली है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है ये सिंगल चैनल ABS वाली बाइक के बारे में बताया है, मतलब सिंगल चैनल ABS पल्सर N160 का आपको मैंने प्राइस बताया है। डुअल चैनल ABS का जो प्राइस है वो भाई बिल्कुल डिफरेंट है। तो डुअल चैनल का क्या प्राइस है उसके लिए आपको कंफर्म करना हो तो आप शोरूम पे जाके कंफर्म कर सकते हो कि भाई डुअल चैनल ABS का प्राइस क्या चल रहा है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर डाला हुआ है वहाँ पर जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। बग्गा लिंक का मैंने नंबर डाला हुआ है, बजाज बग्गा लिंक दिल्ली। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो N160 की मुझे आपको देनी थी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई कितनी CC का इंजन है, कितनी पावर है, कितने लीटर का फ्यूल टैंक है, कितना वेट है। वेट मैंने अभी आपको शायद कवर नहीं कराया, तो वेट की भी बात कर लेते हैं। 152 kg का कर्व वेट इस बाइक का है, 152 kg का मात्र वेट है इस बाइक का। और टायर सेक्शन मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं कि भाई एग्जॉस्ट साउंड कैसी है इस बाइक की, ठीक है जी। तो ये अपन ने लगाया इग्निशन, अतुल मेरे साथ है, बाइक विद अतुल, ठीक है जी। अब ये स्टार्ट किया, नहीं हो रही, चल ठीक है रहने दे। हाँ वही 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 मुझे लग रहा था भाई इसमें तेल नहीं है, इसे स्टार्ट नहीं हो रही। तो बाइक फाइनली स्टार्ट हो गई। वैसे सर्दी भी बहुत हो रही है भाई दिल्ली के अंदर, तो इस वजह से बाइकें स्टार्ट होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देती हैं, और थोड़ा सा तेल कम होगा तो हो सकता है इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रही हो। तो भाई ये देख सकते हो आप, अंडर बेली एग्जॉस्ट है इसका, और साउंड काफ़ी अच्छी है। मैं काफ़ी करीब आ गया भाई एग्जॉस्ट के, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी साउंड है, बंद कर दो भाई। सो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन, बजाज पल्सर N160 की वॉक अराउंड रिव्यू था ये। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।